मैं डॉक्टर रामेश्वर, हड्डी का डॉक्टर हूँ। श्री साई हॉस्पिटल सिवान हमारा एक हॉस्पिटल है और मैं रहने वाला गोपालगंज जिला का ही हूँ। गोपालगंज में भी मेरा एक हॉस्पिटल है, सृष्टि सौम्या हॉस्पिटल, जो बस स्टैंड के पास है। मैं पिछले 13-14 साल से सिवान में गोपालगंज में काम कर रहा हूँ और 13-14 साल में मैंने 15,000 से ज़्यादा लोगों के हड्डी के ऑपरेशन किए हैं, ठीक है ना, और 5,000 से ज़्यादा ग्रामीण चिकित्सकों को हमने फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दिया है, जिसमें एक दुनिया का सबसे बड़ा फर्स्ट एड का ट्रेनिंग, जिसमें एक साथ 3,500 लोगों को हमने फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दिया था, जो एम्स पटना के सहयोग से किया था सिवान के राजेंद्र स्टेडियम में, ठीक। मैंने 200 से ज़्यादा गाँव में जो हेल्थ कैंप होता है ना, हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं और लगभग 100 से ज़्यादा गरीब मरीजों का फ्री में ऑपरेशन किया है। लगभग 1,00,000 से ज़्यादा मरीजों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्री में मैंने कंसल्टेशन दिया है, जैसे हेल्थ कैंप में हुआ, इस तरह से करके। और मेरा एक अपना यूट्यूब भी चैनल है, कोई मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में जानता है क्या? कोई नहीं जानता है। सबके पास मोबाइल है क्या? है, खोल लीजिए, सभी लोग खोल लीजिए, क्योंकि मेरा कुछ सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे भी, 60-65,000 सब्सक्राइबर हैं। लेकिन कुछ कुछ कंटेंट देते रहता हूँ, रेगुलर नहीं हूँ, मुझे लगता है रेगुलर रहता तो और भी अच्छे होते, ठीक है ना। डॉक्टर रामेश्वर सर्च करिए, डॉक्टर रामेश्वर कुमार, खुल गया, डॉक्टर रामेश्वर कुमार, हाँ सिवान डाल दीजिए, डॉक्टर रामेश्वर कुमार सिवान, हाँ मिल गया, टोपी वाला आ गया, हाँ हाँ हाँ, बस उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए, सबने कर लिया। अब इसके बाद से मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, अब इसके बाद से आपके मोबाइल का कोई जरूरत नहीं है, ठीक। आज हम लोग फर्स्ट एड के बारे में बताएंगे, तो इसमें 2-3 चीजें बताएंगे कि फर्स्ट, सबसे पहले तो फर्स्ट एड होता क्या है, दूसरा चीज ये क्यों करना, क्यों जानना जरूरी है, ऐसे सबको जानना चाहिए, क्यों जानना जरूरी है, और उसमें फर्स्ट एड में हम लोग करते क्या क्या है, ठीक है, ठीक है। और केवल ऐसा नहीं है कि मैं लेक्चर ही दूंगा, इसमें कुछ डेमो भी करेंगे, हम कुछ दिखाएंगे भी, कराएंगे भी, कुछ सामान भी मंगाए हैं। मैं चाहूंगा कि एक बेड भी, अगर चौकी वगैरह मिल जाए बस वहीं वहीं पे रख देना, चौकी अगर रहे तो उधर ही रख देना है, जब जरूरत पड़ेगा तो उसको रख दीजिए वहीं पे, और एक चौकी मंगा के वहां पे रख देंगे ना, तो मैंने हम लोग को काम में जरूरत पड़ेगी, ठीक। फर्स्ट एड तो सबने सुना होगा, सबको जरूरत पड़ता होगा। फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य यही है, एक तो पहला चीज कि कोई बहुत कष्ट में है, पीड़ा में है, तो पीड़ा थोड़ा कम हो जाए, डॉक्टर तो हमेशा हर जगह मिलेगा नहीं, ठीक है ना, तो कम से कम पीड़ा उसका थोड़ा कम कर दें। दूसरा चीज, कभी कभी ऐसा रहता है ना कि तुरंत आप कुछ नहीं किए तो किसी की जान भी जा सकती है, तो वो जान बच जाए डॉक्टर के पास जाने तक, क्योंकि जान एक बार चली गई तो चली गई, वो किसी की औकात नहीं है, कोई डॉक्टर साहब की इसमें इसको निकाल कैसे कर सकते हैं क्या? हाँ जी। इस तरह का है क्या ऐसे? नहीं, ये शायद इसमें फिक्स है। नहीं। ये फिक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर से ही कर लेंगे हम लोग। तो एक बार जान चली गई तो चली गई। एक्चुअली शरीर में कुछ कुछ अंग ऐसे हैं ना कि जिसको खाना, जिसको भोजन तुरंत माने नहीं मिला ना, 2-4 मिनट ना, तो वो मर जाता। ऐसे हर इंसान को खाना ना मिले तो मर जाएगा। अगर इंसान को खाना ना मिले तो कितना दिन में मर जाएगा? सबसे ज्यादा किसका नाम याद है जिन्होंने बिना खाए पिए? हाँ, किसका नाम याद आता है? अल्लाह है? अरे 2-3 महीने तक भी लोग जिंदा रहे हैं। इसमें जो हमारे भगत सिंह थे, आप लोग पढ़े भी होंगे कि उन्होंने बहुत दिन तक भूख हड़ताल पर रहे, वो अंग्रेजी फोर्स उनको जबरदस्ती, यानी कि इंसान सबकी अलग अलग कैपेसिटी है, लेकिन 2-3 महीना भी बिना खाए रह सकता है। हमारा हाथ पैर कितना दिन रह सकता है बिना खाए पिए? इसको खाना पीना ना मिले तो कितना दिन रह सकता है? ऐसे आपने सुना है क्या कि कभी किसी का हाथ कट गया, अलग हो गया, फिर से डॉक्टर उसको जोड़ दिए, ऐसा होता है? तो जिंदा चीज को तो कोई नहीं, इसका मतलब कि जब तक वो कटा हुआ था तो उसको खाना पीना तो नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी वो जिंदा था।
तो ऐसा बोलते हैं लोग कि 12 से 14 घंटे अगर हमारा हाथ मतलब बिल्कुल साफ कटा हुआ है और अलग भी है, फिर से इसको जोड़ दें और इसका सर्कुलेशन खाना मिलने लगे तो फिर से जिंदा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें सबसे सेंसिटिव है दो अंग, वो एक है दिमाग और दूसरा है हार्ट, हृदय। ये दोनों को खाना, जैसे दिमाग को तो बोलते हैं कि 1 से 2 मिनट उसको खाना ना मिले ना, 1 से। और खाना कहां से मिलता है हमारे शरीर में, अंगों को? ब्लड से। यानी कि उसको अगर खून 2 मिनट ना मिले तो खत्म, और दिमाग खत्म तो आदमी खत्म, क्योंकि पूरा कंट्रोल यही से होता है। और इनफैक्ट कोई आदमी सचमुच मर गया है कि नहीं मरा है, इसको जानने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। दिमाग काम कर रहा है यानी कि आदमी जिंदा है, और दिमाग काम करना बंद माने आदमी मर गया। और उससे ज्यादा एक सबसे ज्यादा सेंसिटिव है दिमाग, और उसके बाद है हार्ट। हार्ट कितना देर बिना खाना खाए रह सकता है? 4 से 5 मिनट, 4 से 5 मिनट। यही 4 से 5 मिनट का जो समय है कि जब तक वो बंद है यानी काम नहीं कर रहा है, अगर आप 4 से 5 मिनट में कुछ करते हैं तो आप हार्ट को फिर से बचा सकते हैं। और यहीं पे कंसेप्ट आता है गोल्डन पीरियड का। अब किसी भी कारण से आपको हार्ट में दिक्कत हो, चोट लगने से भी हो सकती है कि अगर आप कहीं से गिर गए, एकाएक हार्ट काम करना बंद हो गया, एकाएक मास एक्सीडेंट हुआ, रेलवे एक्सीडेंट हो गया, उसमें होता है, इलेक्ट्रिक शॉक से हो जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक भी एकाएक लगा हृदय, क्योंकि ये भी तो एक तरह से करंट ही है उसमें, वो करंट का सिस्टम उसमें गड़बड़ा जाता है और हृदय काम करना बंद कर दिया। और ओल्ड एज में आपने बहुत बार देखा होगा कि हार्ट अटैक आ गया तो हार्ट बंद काम करना बंद कर दिया। तो इसमें अगर 3-4 मिनट जो ये गोल्डन समय है इसमें आप अगर कुछ कर देंगे ना तो आदमी क्या 3-4 मिनट में डॉक्टर मिल जाएगा क्या? कितना भी राष्ट्रपति साहब को मिल जाएगा क्या? किसी को भी नहीं मिलेगा। इसलिए फर्स्ट एड सबको जानना जरूरी है। आपके घर में हो सकता है, आपके साथ बच्चे के साथ हो सकता है। और फर्स्ट एड को अगर देखा जाए ना तो हम सबसे ज्यादा प्रभावित क्या चीज से होते हैं, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा हमको क्या प्रभावित करता है, हमको लगता है कि हर समय में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली कोई चीज है तो वो रही है सिनेमा। सिनेमा से सभी लोग प्रभावित होते हैं, भले कोई माने चाहे ना माने, लेकिन हमारी सोच, हमारे सोचने का तरीका, हमारा रहने का तरीका, हमारा व्यवहार बहुत हद तक सिनेमा से गाइड होता है, क्योंकि सबको अच्छा लगता है, कहानियां सबको अच्छी लगती है, वो केवल कहानियां होती है, एक बार शुरू हो गया ना देखते 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 जाता है, मन ही नहीं ये होता। और कहानियों के माध्यम से सिनेमा में भी बहुत बार ये फर्स्ट एड को दिखाने की कोशिश की गई है। तो दो उद्देश्य है फर्स्ट एड के लिए, एक तो पहला चीज की अगर कष्ट है, पीड़ा है तो उसको कम करना, और दूसरा उद्देश्य क्या है कि अगर जान जा रही है तो जान को बचा लिया जाए जब तक डॉक्टर नहीं मिलता है तब तक। तो सिनेमा कोई, किसी को मूवी कोई याद है क्या जिसमें फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हो, चाहे फर्स्ट एड की बात हो रही हो, कोई बताएगा? जिसमें एकाएक कोई, हाँ हाँ वहां पे कहां पे मैडम घटना हो, कहां पे फर्स्ट एड? हमको नहीं याद आ रहा है, लेकिन हमको एक दो मूवी जो मुझे मुझे याद रहता है हमेशा, 3 इडियट में भी फर्स्ट एड नहीं दिखाया गया, वो तो बच्चा का डिलीवरी करा है, हाँ फर्स्ट एड का नहीं। और जिसमें एकाएक कोई बेहोश हो गया, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया और उसको कुछ किया गया और वो अच्छा हो गया, हाँ बिल्कुल सही, शिवाजी द बॉस, उसमें 2 बार दिखाया है फर्स्ट एड का इंपॉर्टेंस। एक पहली बार जब उसके साइड पे काम हो रहा होता है और एक बच्चे को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और वो लड़का बेहोश हो जाता, माने वो ऐसा बोलते हैं लोग कि उसका हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर उसको लेके और कुछ करते हैं, उतना याद होगा आप लोग को, और वो बच्चा फिर से जीवित हो जाता है। अगर वो डॉक्टर उस वक्त वो काम नहीं करता तो बच्चा बच जाता, मर जाता। और दूसरा उसी मूवी में फिर से एक बार दिखाया है जब वो शिवाजी को उसको
ले जाके उसको मार देते हैं लोग, इलेक्ट्रिक शॉक देके कैसे मारते हैं लोग जो और रास्ते में उसको बदल देते हैं, गाड़ी में बदल देते हैं, फिर से उसको CPR देके उसको ठीक कर देते हैं। ये किसने कितने कितने देखा है ये सिनेमा, बस इतना ही लोगों ने। आप लोग कौन सा सिनेमा देख रहे हैं भाई, हैं भोजपुरी? तो देखना चाहिए सिनेमा भी, सबसे उससे भी फायदा होता है बहुत सारा चीज, क्योंकि जो चीजें मैं बताऊंगा ना तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आएगा वो चीजें, ठीक है ना। तो और तीसरा एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके जब फर्स्ट एड का उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंस होता है जब मास कैजुअलिटी होता है, जब एक सांस बहुत सारा जैसे एकाएक छत गिर जाए, तो इतना लोगों को इलाज करने के लिए क्या आपको लगता है कि हमारा कोई भी सिस्टम सक्षम है? तो यहाँ पे फर्स्ट एड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और वहां पे एक कंसेप्ट होता है ट्राइज, जैसे एक बार हुआ था यहाँ पे सिवान में ही ट्रेन टकरा गई थी, एक ही साथ बहुत सारे लोग को तकलीफ हो गया था, तो सभी लोगों को, तो वहां पे एक ट्राइज का कंसेप्ट है। ट्राइज मीन्स वो सेग्रीगेट करना मरीज को कि किसको सबसे ज्यादा जरूरत है, ये बहुत जरूरी रहता है। तो ये सिंपल है उसको ट्राइज करने का, एक तो वॉकिंग एंड टॉकिंग, जो इंसान अगर यहाँ पे गिर जाए और जो वॉकिंग एंड टॉकिंग कर रहा है, यानी कि वो मरीज कैसा है? ठीक, वो ठीक है, वो अच्छा है, उसको कुछ नहीं हुआ है, मतलब चोट तो लगा है, मतलब ऐसा नहीं है, उसको कटा भी होगा, हो सकता है बहुत जगह। वॉकिंग एंड टॉकिंग को मैंने, हम थोड़ा देर आप आराम से बैठिए, हम लोग देखते हैं, आप बैठ जाइए, कहीं बैठा सकते हैं। और दूसरा ब्लीडिंग एंड डाइंग, जिसको ब्लीड हो रहा है कहीं से, तो ब्लीड हो रहा है तो उसको ब्लीडिंग रोकना पड़ेगा। और डाइंग, डाइंग को क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को CPR करना पड़ता है, CPR हम बताएंगे क्या होता है। और तीसरा है डेड, डेड, डेड मरीज को कैसे समझ में आएगा कौन डेड है? हाँ, पल्स, पल्स देखने आता है जी जी जी, अच्छा अच्छा, पल्स, पल्स देख सकते हैं, लेकिन कितना बार पल्स नहीं भी मिलता है, कितना बार पल्स नहीं भी मिल सकता है, तो ऐसा नहीं है कि पल्स नहीं मिल रहा है तो इंसान खत्म है। और पल्स में भी बहुत जगह पल्स होते हैं, लेकिन सबसे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पल्स रहता है? यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक। और ये भी जब मैं किसी को बताता हूं तो मुझे फिर से एक मूवी याद आ जाती है, कौन से मूवी में यहाँ पे हाथ रख के बोला कि गई, बताइए, ये बिल्कुल नई मूवी है जिसमें यहाँ पे हाथ रखा पुलिस वाले ने और वो अपने बॉस को इशारा किया कि गए, बताइए बताइए, इसमें शर्मा ने क्या बनाया? नहीं देखे आप, ऐसे नहीं है कि मूवी नहीं देखते यार, हम रोज देख लेते एक मूवी, हैं आप लोगों को समय नहीं मिलता, हमें खाली है मैडम रोज हम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपके पास समय नहीं है, आपके पास समय नहीं है, लेकिन मुझे इतना समय मिल जाता है सर कि रोज 2-3 घंटा मैं मोबाइल देख लेता और मैं तो बोलता हूँ कि कोई ऐसा काम और दीजिए कि 2-3 घंटा मैं एंगेज रह सकूं, नहीं तो मैं यही मोबाइल देखते रहूंगा, ठीक है ना। अभी नई मूवी है वो सिंघम में, जिसमें वो जो एक दाढ़ी वाले कुछ ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के बाद से वो कोर्ट का सीन है जिसको उसको लेके आ रहे होते हैं, वहीं पे ब्लास्ट होता है और वो पुलिस वाला वो जो कौन है वो इंस्पेक्टर दया, मैडम को मालूम है, इंस्पेक्टर दया हाथ रखता है और ऊपर वो सिंघम जो अजय देवगन है उसको इशारा करता है कि गए, याद आ रहा है क्या किसी को वो सीन? अरे तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग तो, अब बच्चे क्या, आप लोग तो BEd कर रहे हैं ना सभी लोग, हाँ आप अब बच्चों को पढ़ाने वाले हो गए, ठीक है। तो उसमें तो ये सबसे रिलायबल होता है, लेकिन पल्स तो और भी जगह रहता है। तो अगर पल्स नहीं मिल रहा है इसका मतलब ऐसा समझते हैं कि हार्ट काम नहीं कर रहा है, ऐसा ये पल्स नहीं मिल रहा है इसका मतलब हार्ट काम नहीं कर रहा है, हार्ट काम नहीं कर रहा है तो उस वक्त आपको CPR देना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक्चुअली जो जो बिल्कुल डेड है कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, तो उसको भी एक बार CPR कायदे अनुसार देखे देखना चाहिए। ऐसे हम लोग ऐसे डॉक्टर भी हम लोग का प्रोटोकॉल रहता है कि किसी मरीज को सीधे आप डेथ डिक्लेयर नहीं करना रहता है, पहले एक बार CPR देना रहता है। और CPR लगातार 10 मिनट तक देने के बाद से भी अगर मरीज का पल्स BP नहीं आता है तभी आप उसको डेथ डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो
ब्लीडिंग के लिए क्या उपाय है? एक तो ब्लीडिंग, सबसे पहला वॉकिंग एंड टॉकिंग, उसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, उनको बैठा देना है। ब्लीडिंग वाले को क्या करना है? ब्लीडिंग रोकना है। ब्लीडिंग रोकने का सबसे आसान तरीका बांध देना, बांध दीजिए आप। कहीं भी खून बह रहा है ना, आप अगर किसी का भी कितना भी बड़ा खून का फवारा निकल रहा है, आप उसको पकड़ के 10 मिनट ऐसे दबा के रख देंगे ना, वो बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लीडिंग को रोकने का प्रक्रिया कुदरती है, भगवान का बनाया हुआ है और नेचुरल हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि कहीं भी खून निकल रहा है तो शरीर वहां से खून निकलने बंद करा देती है, बस आपको उसको थोड़ा देर के लिए प्रेशर लगा के रोकना रहता है। हाँ, जो भी उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स और विटामिन, उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म है जिसके कारण से क्लॉट होके खून रुक जाता है। कहीं भी आप देखिएगा कि कट गया तो ऐसे थोड़े जिंदगी भर खून गिरते रहता, वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है, क्योंकि हमारे अंदर में वो कैपेबिलिटी है। लेकिन जो मेजर आर्टरी रहती है, क्योंकि फोर्स से ब्लड आता है, हार्ट एक पंपिंग स्टेशन है, पंप करता है, तो उस वक्त धार से आता है, थोड़ा देर आप दबा के रखेंगे तो एक तो ब्लड लॉस भी नहीं होगा, ऐसे नहीं कि हो सकता है कि वो 10-15 मिनट में ऐसे भी रुक जाए, लेकिन तब तक बहुत खून निकल गया रहेगा ना, तो दबा के रखेंगे तो खून नहीं निकलेगा, तो मरीज के लिए अच्छा है। और दूसरा, डाइंग के लिए क्या करेंगे? जो डाइंग है वो CPR करेंगे, और डेट है, बिल्कुल डेट है, उसको भी एक बार CPR करके देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, बिल्कुल डेड है उसको भी कुछ करना नहीं रहता है, जब डेड ही हो गया है तो उसको भी बहुत कुछ करना नहीं, लेकिन एक बार ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेन दो ही है, जो बीच वाला वॉकिंग टॉकिंग को कुछ नहीं करना है, ब्लीडिंग और डाइंग को केयर करना है, डेट को भी थोड़ा देख के उसको भी आप निकाल सकते हैं कि अब उसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। वाला तो हम लोगों ने बता दिया, अब डाइंग वाले के लिए CPR क्या कैसे करते हैं और क्या करते हैं उसको हम लोग कुछ डेमो भी कर देंगे, और कुछ किस तरह से पेन रिलीफ हो। जैसे एक पहला उद्देश्य तो ये भी था कि पेन रिलीफ होना, किसी का हड्डी टूट गया तो फर्स्ट एड तो कम से कम उसको आराम मिले, कष्ट वो चिल्ला रहा है, बाप बाप कर रहा है, कष्ट पीड़ा में है, तो क्या कुछ करेंगे, थोड़ा सा पीड़ा उसका कम हो जाए। तो उसके लिए अगर बहुत कष्ट है किसी को और हड्डी कहीं भी टूट गई, चाहे टूट गई हड्डी तो समझ में आता, कैसे समझ में आएगा हड्डी टूट गई तो सूजन हो जाएगा और हिलेगा, एबनॉर्मल मोबिलिटी हो जाएगा, वहां पे हिलने लगेगा और हाँ कष्ट होगा, पीड़ा होगा, तो कैसे वहां पे रिलीफ कैसे दे सकते हैं? हड्डी का जोड़ना भी एक कुदरती प्रक्रिया है, हड्डी भी भगवान ही जोड़ते हैं, किसी डॉक्टर की औकात नहीं किसी की हड्डी जोड़ देना, क्योंकि अगर अंदर का सिस्टम गड़बड़ तो डॉक्टर कोई किसी का हड्डी नहीं जोड़ पाता। कितना बार देखे होंगे कि बहुत लोग का ऑपरेशन भी हुआ हड्डी नहीं जुड़ता, ऐसे सुनेंगे नहीं, क्योंकि उसका अंदर का मैकेनिज्म खत्म हो गया। तो हड्डी जुड़ने के लिए दो ही चीज है, कि हड्डी टूट के अलग हो गई थी तो उसको नजदीक लेके आ जाइए, और हिले डुले नहीं, एक जगह रहे, क्योंकि भगवान रोज जोड़ेंगे और रोज आप तोड़ेंगे तो गुस्सा हो जाते कुछ दिन में, कहते हैं बहुत बदमाश आदमी, तो फिर वो जोड़ते नहीं, छोड़ देते। तो एज ए डॉक्टर हम लोग क्या करते हैं, उसको जगह पे लाते हैं और एक जगह रहे, इसके लिए दो तीन चीजें करते हैं, या तो प्लास्टर लगा देते हैं, एक जगह पे रहेगा हिले डुलेगा नहीं, एक जगह पे रहेगा धीरे धीरे जुड़ जाएगा, कभी कभी प्लास्टर में भी हड्डी के हिलने का स्कोप रहता है, ठीक, जिसे जान की हड्डी, अगर इसमें प्लास्टर भी लगाएंगे ना, कितना भी लगाएंगे ना, तो उसमें हिलता ही, क्योंकि इसमें मसल का फोर्स रहता है, तो वहां पे ऑपरेट करना पड़ता है। हम लोग ऑपरेट करके रॉड डाल देते हैं अंदर से, और वो भी काम यही करते हैं कि फिक्स कर देते हैं हिले डुले नहीं, चाहे प्लेट लगाते हैं वही काम करते हैं कि हिले डुले नहीं, ताकि भगवान नेचर कुदरत उसको जोड़ सके, क्योंकि जोड़ने का काम किसका है? वो डॉक्टर की औकात के बाहर, ठीक है ना। तो दर्द भी क्यों होता है? क्योंकि हड्डी के ऊपर जो लेयर रहता है ना, जिसको पेरियोस्टियम बोलते हैं, एक तरह से समझिए कि एक छिलका जैसा, जो छोटा पौधा होता है उसके ऊपर एक छिलका रहता है ना, और उसके तो छिलका ही पेनफुल रहता है, उसी में नर्व का सेंसेशन रहता है, और बहुत माने थोड़ा सा भी हिलता डुलता है तो बहुत ही पेन होता है। तो उसमें भी पेन कम करना है तो क्या उपाय है? कि हिले डुले नहीं, और हिले डुले नहीं इसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, तो कुछ हमारे पास सामान है, कहीं भी चोट लगा तो दर्द रिलीफ करने के लिए क्या परिश्रम है, सिद्धांत क्या है? हिले डुले नहीं, हिले डुले नहीं, क्योंकि आप एक या तो इनका टूट गया है यहाँ, तो थोड़ा चलते फिरते चाहे कोई पकड़ के भी हिला, तो हाथ में ही हम लोग पहले एग्जाम्पल लेते हैं, तो हाथ में सिंपल सा है, किस पोजिशन में, इनको गले में एक पट्टी बांध दे हम लोग इस तरह से,
थोड़ा हिलना डुलना कम हो जाता है, बिल्कुल 100% तो नहीं होता लेकिन थोड़ा हिलना डुलना कम हो जाता है। इसमें दो जगह नोट हम लोग बांधते हैं, एक यहाँ पे ऊपर में और एक इधर यहाँ। अब इसमें कहीं भी अगर इधर भी टूटा है, इधर भी टूटा है, कहीं भी टूटा है तो थोड़ा सा तो रेस्ट मिल जाता है, ठीक है ना। इसमें ठीक ये दो जगह नॉट क्यों पाने, एक यहाँ पाने एक यहाँ पे, क्योंकि ऐसा एक जगह रहता है तो सड़क के इधर यदि वो होते होते इधर गला में भी जा सकता है, तो इसलिए दो जगह बांधते कि इसे सड़क पाने, ठीक। तो एक ये सिंपल सा चीज है, किसी का भी टूटा डॉक्टर के पास जाते तो ऐसा बांध दी, थोड़ा उसको कष्ट में भी राहत मिलेगा और थोड़ा सा इमोबिलाइज भी होगा। ये सिंपल सा चीज है, अगर उससे भी ज्यादा अगर कुछ करना है तो इसको निकाल देते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ टूट गया, चाहे यही टूट गया है, चाहे यहाँ भी टूट गया, तो कुछ भी जैसे पेपर तो रहता ही हम लोग के पास, सब लोग के घर पे रहता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग ऐसा अगर मान लीजिए यहाँ पे है ऐसा करके और ऊपर से बांध लेते हैं, खूब टाइट भी नहीं बांधना है, टाइट क्यों नहीं बांधना है, लेकिन बिल्कुल ढीला भी बांधेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं निकल जाए, हाँ ये तो बैंडेज है, बैंडेज नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, हाँ कपड़ा जैसे चुन्नी है आपका उससे बांध सकते हैं, और इसको ऐसे करके और फिर से इसमें ऐसा लगा अब इतना ही से कम हिलेगा और भी अब पहले से ज्यादा थोड़ा सा बेहतर हो गया, और भी थोड़ा कम हो गया, ऐसा नहीं अभी भी कष्ट होता रहेगा, ऐसा नहीं है मजा में रहेगा भाई, अभी पहले से तो पीड़ा कम हो गई, अगर पहले 100 थी तो अभी पीड़ा कितना हो गई, नहीं 70 नहीं मैडम, ये लगभग 60 के करीब में कम हो जाएगा, 40 पीड़ा रहेगा। अब देखिए डॉक्टर देखेगा एक्सरे करेगा जो भी कर रहा होगा, अगर यहाँ छूटा है तो इसी को यहाँ बांध देंगे, यहाँ पे करके इसे बांध देंगे, ठीक है ना, और फिर ऐसा गले में लगा देंगे, ठीक। तो ये पेन रिलीफ ऐसा ही अगर टायर में कहीं टूटा है तो ऐसा, अगर यही टूट है जैसे इस तरह का टूट है आपके पास तो इसको इस तरह से रहे थर्मी का ही सामान यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है आप इसी को आपको दबा दें और दबा के अपने इसीलिए अपने पास से सामान नहीं लेके आए क्योंकि ऐसा चीज कर सकते हैं जो आपके घर पे भी हो, तो आप कुछ ऐसा चीज लेके आ जाए जो जो आपको फिर मिले ही नहीं, ठीक। ये थोड़ा सही भी हो गया, पैर में है यहाँ पे टूटा ऐसे बांध सकते हैं, थोड़ा सा इसको बैंड भी कर सकते हैं हल्का उसके साइज का, ठीक है, करके इसमें भी बांध सकते हैं, और भी है तो ये फटा भी बांध सकते हैं इस तरह का मिले तो इसमें ऐसे बांध देंगे ना इसमें ऐसा करके तो कम मिलेगा, कम मिलेगा ना, कम मिलेगा तो कम कष्ट होगा। तो एक इमोबिलाइजेशन इसको बोलते हैं इमोबिलाइजेशन, इसको इमोबिलाइजेशन मतलब घूमना, इमोबिलाइजेशन घूमने में तो इमोबिलाइज करना इसे पेन रिलीफ मिल जाएगा। अब दूसरा कि अब ये भाई इतना चोट लगा है तो हड्डी तो मान लीजिए कि आज नहीं तो कल जुड़ जाए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो जाए, लेकिन अगर लग गया इनको छाती में चोट और हार्ट हार्ट काम नहीं कर रहा, तो अब क्या करना पड़ेगा, उसमें पल्स पंप करना पड़ेगा, CPR करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन, ठीक। थैंक यू आप बोला आप ये इसके लिए थैंक यू भाई, लेट्स गो। CPR करेंगे जिसमें हार्ट का हार्ट को किस तरह से हम लोग रिवाइव करें, क्योंकि हार्ट को खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कितना देर में डेड हो जाएगा, और ये समय क्या है, गोल्डन पीरियड है, और गोल्डन पीरियड में काम नहीं किया तो काम, उसके बाद से आपके पिताजी भी रास्ते रहकर कोई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए CPR करना, और CPR के लिए सबसे जो मेन चीज रहता है ना कि एक सरफेस होना चाहिए जो हार्ड, ये भी साइन है, तो
अच्छा हुआ कि आया तो समझ में आया, इस तरह के शब्द इसमें नहीं देना है, नहीं तो इसमें दबाएंगे तो फिर यही देंगे। तो इसको हटा दे क्या, इसे हटा दे, इसको उधर रख दीजिए, नीचे कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, चतर डालो, हम लोग इसलिए निकालेगा कि ताकि एक अभी आप जो देख रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं वो भी नहीं याद रहे, लेकिन जो हमने किया ना सी ये याद रहता, ये नहीं भूलता आप, हमने कितना कितना भाषण किया ये आपको याद नहीं, जिंदगी में आपको नहीं भूलेगा कि भद्दा ऐसा नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो आंखें देख लेती है उसका चित्र बन जाता है और चित्र आपने भूलता नहीं। इससे भी सिनेमा, कौन सा सिनेमा, कोई भी चीज को आप देखेंगे ना उसको आप जरूर उसको वो जिंदा हो जाता है, जो जिसका इमेज बना सकते हैं वही चीजें हम याद रख सकते हैं, जिन चीजों का इमेज नहीं बना सकते उसको हम याद नहीं रखते, तो ये सब चीजें हम इमेज क्रिएट कर रहे हैं, तो बाकी आप आसानी से दे देते हैं वो शायद आप सुनने में भी अच्छा लगता, लेकिन उसमें बहुत सारा चीज शायद लंबे समय तक आपको नहीं याद रहता, लेकिन ये सब चीजें याद रहे। तो इसमें कोई एक आदमी जो डेमो डेमो कर सकता है, कोई एक आदमी आने के लिए रेडी है, कोई दूसरा कोई भी, अच्छा नेक्स्ट। तो एक इनको समझना है कि ये डे एंड टाइम अभी तक आ रहा है, तो सीबीआर तो इनको तो एक हार्ड सर्विस के स्टूडेंट ने दिमागी सीमा के यस सर। तो अब सीपीआर कैसे करते हैं, हमको पता चल गया कि मरीज का हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो कैसे समझ में आएगा कि काम नहीं कर रहा है, हार्ट बीट बस देखिए सबसे पहले तो पूछेंगे ये भाई देख तो कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है, खड़े जोर से करके ये पर कुछ रिस्पांस नहीं कर रहा है, और दूसरा चीज की सांस सांस चल रही है, सांस चल रही है कैसे समझ में आएगा, सांस पल से समझ में आएगा, जिंदा होने का आम आदमी के हिसाब से उसको ऐसा कर करके थोड़ा सा दबा दबा के पूछे भी थोड़ा धक्का देंगे कि उसको मैंने ऐसा कष्ट हो, मैंने एक दो लड़का है तो मैंने इस तरह करेंगे तो उसको कष्ट होगा ना, इसलिए नहीं कर रहे, लेकिन तो जो बेहोश है उसको तो कर सकते हैं, अरे भाई बोलो उठो, ठीक है ना, अब आपको लग गया कि नहीं शायद ये, तो उसको सीपीआर आपको करना है। तो सीपीआर कैसे करेंगे, तो हार्ट पे क्या करते हैं हम लोग, कॉम्प्रेशन करते हैं, दबाते हैं हार्ट पे, कॉम्प्रेशन करते हैं और सांस में मुंह से मुंह में सांस देते हैं, ठीक है ना, तो ये दो चीज करते हैं, कार्डियो कार्डियो मतलब हार्ट को दबाना है, क्योंकि वो भी एक सर्किट है करंट जैसा है, मतलब हम दबाते तो कितना बार उसकी करंट फिर से आ जाती और फिर वो चलने लगता है, ठीक है, और सांस में सांस भी देना है, ऑक्सीजन भी देना है, क्योंकि खाना है क्या एग्जैक्टली सेल्स के लिए, क्या खाना है, ब्लड ऑक्सीजन ही खाना है, ऑक्सीजन से ही पूरा इसका मेटाबॉलिज्म चलता है, ऑक्सीजन ही नहीं मिलता है ब्रेन को, ऑक्सीजन ही ब्रेन को नहीं मिल रहा है जिससे वो मर जाता है, ठीक है ना, तो हमको हार्ट को चलाना है लेकिन ऑक्सीजन भी देना है, तो इसमें साइकिल क्या कहां पे देना है प्रेशर और क्या पोजीशन होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो सर ने क्या एग्जैक्ट कैसे पोजीशन करता है सर, सर सब लोगों को भी बहुत मालूम है क्यों आज भी मैं बताऊं कि मैं एक बार गिरा तो सर के पास गया, आज इतना ही गिरा आज जी 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 तो सर तुरंत एक सनेल लेकर के एग्जाम दो तीन का कैप्सूल भरी थे, हां तो इसमें ऐसा करते हैं ना, एक तो बारह चीज की प्रेशर लगना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है कि अच्छा ऐसे से दबाने से नहीं होता कि जिंदा आदमी को दबाने में इसका पाती टूट जाता, इसमें 2 इंच आपका छाती नीचे धंसना चाहिए, 2 इंच माना 5 सेंटीमीटर बहुत होता है, और ये प्रोसीजर करने में कितना बार किसी की बाती भी टूट जाती है, टूटती भी है,
आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग सुना है कि डॉक्टर दबा दबा के छाप टूट रहा है डॉक्टर मरीज के लिए अच्छा के लिए किया होता है खराब के लिए किया होता है लेकिन देखिए गांव में लोगों को ये भ्रांतियां रहने से इस तरह से लगता है सुने भी होंगे कोई कहे पढ़ा मलेश पढ़ा सुन साचो ये राक्षस पढ़ा तो एक ही मतलब ऐसा सुनने को मिलता है इसलिए भी जानना भी जरूरी है आपकी दादी के साथ करे तो समझिए कि वो अच्छा कर रहा है कि नहीं कि मार नहीं कर रहा ठीक तो इतना इतना दबना चाहिए इतना छाती दबेगा क्या अपना छाती दबा के देखिए उतना दब जाएगा क्या उसके लिए बहुत फोर्स चाहिए और फोर्स कहाँ से मिलेगा दाहिना हाथ नीचे होना चाहिए बायां ऊपर ठीक और जो मेन प्रेशर आएगा ना पंजा से आना चाहिए सभी लोग इसमें लगे पंजा से और एक्चुअली थोड़ा सा ये पोजीशन थोड़ा सा ये है लेकिन पूरा बॉडी ये एक्चुअली केवनी के पास नहीं केवनी बिल्कुल सीधा रहेगा केवनी ऐसा मुड़ा रहेगा तो हम उतना फोर्स लगा ही नहीं सकते ठीक है ना केवनी बिल्कुल सीधा रहेगा और पूरा बॉडी का मेरा वेट आना चाहिए ठीक है ना अब ये लड़का ये तो उसको लगा पूरा बॉडी का वेट आना चाहिए क्योंकि मरीज ये तो कुछ नहीं बोल सकता है और जैसा ही ऐसा खांसी करने लगे तो छोड़ देगा और बेहतर बात है इसका मतलब कि वो आ गया ठीक है ना बोलने लगा चाहे ये करने लगा खांसी करने लगा यानी वो आ गया तो इसमें कैसे करना रहता है 30 बार मैं पूरा नहीं कर रहा मैं केवल दिखा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसे 30 बार इसको दबाना है और दो बार इनका नाक बंद कर देना है मुंह खोलना है और इन टूटी को ऊपर रखना है और मुंह से अगर ये है तो डायरेक्टली मुंह से भी 2 बार सांस देंगे ताकि पेट फूलना चाहिए ठीक है ना जैसे हम लोग हॉस्पिटल में रहता है तो हम लोग तो यहाँ पे अम्बू बैग भी आता है इसमें रख के इसे दबा देखते होंगे बहुत सारे मूवी वगैरह में उस तरह से करते हैं तो इसको 30 बार और सांस कितना बार दो बार और इसको रिपीट करते रहना कब तक जब तक सांस नहीं आए जैसे सांस आ गया तो बंद कर देना नहीं तो जरा तो ये हो जाए और इस प्रोसीजर में बाती टूटती इसे बाती तोड़ना उद्देश्य नहीं है लेकिन जान बचाना उद्देश्य है क्योंकि बाती टूट गई तो फिर से लेकिन जान चला गया तो वापस नहीं आ सकता ठीक है ना और कब रोकना है इस प्रोसीजर को खांसी करने लगे बोलने लगे या लगातार 15 से 20 मिनट तक आपने किए उसके बाद से अब इसका मतलब कि आप बोल नहीं भी बाइक हो सकता वो खत्म हो गया ठीक है ना चलिए भाई थैंक यू लेकिन इसको खांसी आ गई यही सीपीआर है और ये सीपीआर सबको जानना जरूरी है क्यों जानना जरूरी है क्योंकि गोल्डन पीरियड है उस वक्त तक कोई भी आदमी डॉक्टर के पास नहीं हो सकता है आपके घर में आपका बच्चा भी हो सकता है जिसको एकाएक स्ट्रॉन्ग कर दिया और शुक्र की जो शिवाजी जैसी घटना हो गई या आपके घर में कोई आपकी दादी है कोई ये ऑपरेशन का एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखेंगे ना तो ऊपर से अगर देखा जाए तो 4th रिब्स जो रहता है ये यहाँ पे जो जीपी स्टर्नम रहता है ना समझे तो ये यहाँ से ये पूरा स्टर्नम यहाँ तक है बात में जो बीच की आती रहती है इसके बीच में समझिए बीच में आप दे सकते हैं ठीक है तो आपके घर में कहीं दादी को किसी को हार्ट अटैक हो गया वहां पे जरूरत पड़ सकती है या फिर कभी मास्क पे गलती हो वहाँ पे डॉक्टर कम पड़ जाए तो आप लोग की कभी जरूरत पड़ सकती है तो ये हर इंसान को सीखना चाहिए और आप लोग तो बिल्कुल सर्विस सेक्टर में है बच्चा लोग के साथ है तो आप सबको जरूरत है तो ये इतना ही मुझे जाना था और एक्चुअली मुझे भी अपने क्लिनिक में जाना है तो ये लड़का लोग भी रेस कर रहा है मुझे ठीक है आप लोग का कोई सवाल है तो पूछिए हार्ट अटैक होता है उसका लक्षण क्या होता है जी हार्ट अटैक का लक्षण तो यही है कि एक तो छाती में दर्द होने लगेगा एकाएक वो यंग आदमी को तो नहीं होगा लेकिन आजकल तो 30-35 के लोगों के उम्र में भी हो जा रहा है और दर्द होगा जो दर्द वो बाएं हाथ साइड पे जाता है और फैंटिंग होने लगेगा घबराहट जैसा लगेगा जी सर थोड़ी सी दिक्कत ये हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट
हार्ट अटैक, हार्ट अटैक अरेस्ट, मैंने समझिए कि बिल्कुल हार्ट बंद हो गया, काम ही नहीं कर रहा, अरेस्ट हो गया, अब वो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। हार्ट अटैक मीन्स उसको खाना मिलना बंद हो, हार्ट को खाना मिलना किसी कारण से उसके खास पार्ट को खाना नहीं मिल रहा, यानी कि उसके उसको जो हार्ट को भी तो खाना चाहिए, वो तो सबको खाना दे रहा है, उसको भी खाना चाहिए, तो उसकी सप्लाई में कहीं ब्लॉकेज हुआ और उसके कारण से उसकी कुछ मांसपेशियां काम करना बंद हो गई, जो पूरा नहीं डैमेज हुआ है, हाँ वो हार्ट अटैक हुआ। वो हार्ट अटैक भी बहुत ज़्यादा हो जाने से हार्ट ब्लॉक भी हो जाए, कार्डियक ब्लॉक भी हो जाए, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट भी हो जाए। और कुछ नीचे भी कर सकते हैं आप सीधी आ चाहे तो, नीचे में भी लेटा कुछ भी नहीं है ना, तो नीचे भी लेटा के कर सकते हैं, और उस वक्त अपना पोजीशन ऐसा लेट गया जो भी है, और आप ऐसे इसमें आराम से आप दे सकते हैं, आपका पूरा बॉडी का वेट जाए, ये थोड़ा सा हल्का ऊंचा हो गया था जिससे मेरा हाइट कम है ना, और मैं लेकिन इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं आपका सीधा रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से उठ के उतना प्रेशर नहीं जाए। और हाँ हाँ भाई कट ठीक हो जाता, हड्डी टूटा है सब ठीक हो जाता, लेकिन एक बार हार्ट बंद आदमी बंद कुछ नहीं ठीक हो सकता, और किसी करंट से मतलब उसका लग गया, बेहोश हो गया तो सीपीआर देना, हाँ तभी वो काम नहीं कर रहा है, यानी हार्ट नहीं काम कर रहा है तभी सीपीआर देंगे। आप एक बार देखेंगे कि वो सांस ले रहा है क्या, वो क्या उसको बोलेंगे, वो जिंदा जैसा है क्या, वो जिंदा जैसा नहीं है, सांस नहीं ले रहा है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उसको आप समझेंगे कि मर रहा है, डाइंग है, तो उसको सीपीआर देंगे जी। और आप लोग कहाँ से हैं, अधिकतर लोग यहीं के हैं जी सर, चलिए अच्छा अच्छा ये बहुत अच्छा, हमको भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर, और मैं तो चाहूंगा कि यहाँ से जुड़े जुड़ते रहो, एजुकेशन फील्ड में इंटरेस्ट है सर, ठीक है ना।